वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस एंड एनकेटेक स्किल्स। तो जैसा कि इसमें कोरोना का संकट बहुत तेजी से फैल रहा है, तो बी सेफ रहें और अति आवश्यक कार्य तभी बाहर निकले। की वीडियोस में हम देखेंगे कि विलेनों की सांद्रता। प्रीवियस वीडियोस में हमने विलेन के बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें हम देख सकते थे कि विलेन होता क्या है। तो आज हम बात करेंगे विलेनों की सांद्रता को। तो डू मीन टर्म सांद्रता, सांद्रता से ट्राई होता है कि विलेन की लिक्विडिटी कितनी है, उसमें मॉलिक्यूल्स या अवयवों की संख्या कितनी है। या नॉर्मल टर्म्स में हम इसे सांद्रता विलयन कहते हैं, जैसे कि तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, राइट, कि तनु है या सांद्र है। तो हम उसके हम विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत कि विलेय में कितना द्रव्यमान, विलयन में हमारे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विलयन में हमारे जो विलेय घोला गया है उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा मोल में, उसकी मात्रा पार्टिकल्स में, उस विलयन में कितनी है, इसी को हम सांद्रता प्रतिशत कहते हैं। तो विलयनों की सांद्रता का सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत या W/W। इनके सिंबलों को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हम कैसे याद रखें कि W क्या है, V क्या है। तो आपको उनको याद रखना बहुत जरूरी है अगर आप विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत दैट इज W/W कि विलयन में अवयव का द्रव्यमान, कि जब कोई विलयन हमने बनाया है तो अवयव में विलय, एक से ज़्यादा विलय हो सकते हैं, पर सामान्य अवस्था में हम द्विआंगी विलयनों की बात कर रहे हैं, तो हम सीधे कह सकते हैं जो हमारा विलय है उसका द्रव्यमान अपान विलयन का कुल द्रव्यमान। विलयन का अवयव का कहा जाए तो विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, उसका द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि यह प्रतिशत है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते है। तो दोनों हो हमारे विलय तथा विलायक अगर सिर्फ दो हैं तो दोनों के द्रव्यमान प्रतिशत का योग 100 होगा। आप चाहे तो अगर एक विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल चुके हैं तो 100 माइनस विलय का द्रव्यमान प्रतिशत से विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत भी ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड वन आयतन प्रतिशत। यहाँ पे हम बात करेंगे विलय विलायक की आयतन में कि अवयव का आयतन मीन विलय या विलायक का आयतन कितना है अपान विलयन का आयतन, कि विलयन का आयतन कितना है। हाँ, विलयन का आयतन निकालने के लिए आपको विलय धन विलायक को योग करना होगा, वही हमारे विलयन का आयतन होगा। विलय और विलायक के आयतनों का योग इक्वल टू विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाई 100। तीसरा होता है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्योंकि यह आपके एग्जाम की दृष्टि नहीं दिया गया है, खाली जानकारी की दृष्टि दिया गया है कि जब हम केमिकल कंपाउंड्स करते हैं या फिर मेडिसिन में जो मेडिसिन में दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है कि 100 ml विलयन में विलय का द्रव्यमान कितना होगा उस कंपाउंड में। तो ये ज्ञान की है, नॉलेज की है, इसको पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बुक से रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है हमारा पार्ट्स प्रति मिलियन ppm, अवयव के भागों की संख्या मीन पार्टिकल्स, कि अगर एक विलयन है उसमें अवयव के कितने कण हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं। विलयन में उपस्थित सभी अवयव, विलयन में उपस्थित सभी अवयव के पार्टिकल्स की संख्या मल्टीप्लाई 10^6 × 10^6। नेक्स्ट वन मोल प्रभाज या मोलार्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको इससे भी मिलकर मिलते हैं एग्जाम में। तो मोल प्रभाज या मोलास दैट इज एक्स से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अवयव के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो मोल प्रभाज के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा अवयव। यहाँ पे टर्म अवयव रिप्रेजेंट करता है विलय या विलायक, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। तो जैसे हमने देखा था अपने पिछले वीडियो में, हमने बताया है इसके बारे में कि हम कैसे मानेंगे, क्या समझेंगे अवयव या अवयव। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखा है कि अवयव के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, दैट इज एक्स ए फॉर विलायक और एक्स बी फॉर विलय। तो यहाँ पर मोलों की संख्या निकालने के लिए भी हमने पिछले वीडियो में बताया है, मोलों की संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अगर मोलों की संख्या विलायक है तो एन ए स्मॉल एन, और मोलों की संख्या अगर विलय है तो दैट इज एन बी। तो अवयव के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या आपका होता है अवयव के मोलों की संख्या, अर्थात विलय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ से मोल प्रभाज निकाल लेंगे, आगे इसके हम निकल बताएंगे तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने नोट लिख दिया कि सभी मोलंस का योग एक होता है, अर्थात एक्स ए अगर हमारा विलायक का मोलांश है इक्वल टू एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, जहाँ पे एन ए हमारा विलायक के मोलों की संख्या है और एन बी विलय के मोलों की संख्या है। तो विलायक का मोलांश एक्स ए लिखा जाएगा और विलय का मोलांश एक्स बी लिखा जाएगा। जब हम एक्स ए यूज करेंगे तो एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और जब एक्स बी यूज करेंगे तो एन बी अपान एन ए प्लस एन बी।
जहां पे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, अर्थात आप एक्स ए या एक्स बी निकालकर एक में से उसको घटाकर दूसरा ज्ञात कर सकते। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोलर का कैपिटल एम से लिखा जाता है। तो इस विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन लीटर है। यहाँ ध्यान वाली बात है कि हम यहाँ सबसे पहले विलेय के मोल ज्ञात करेंगे कि विलेय के मोल कितने हैं, उसके बाद विलयन का आयतन लीटर में, हमारा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। जैसे लीटर से अगर 500 ml हमारा विलयन दिया है तो 0.5 लीटर होगा। तो हमें मात्रकों का खास ख्याल रखना होगा मोल का सर्व करने में कि हमें किस टर्म में यूज करना है, राइट। एग्जाम्पल एग्जाम में अक्सर मिस्टेक्स इस कारण होती है कि वो आप ml में दिया है, आपने सीधे ml में यूज कर लिया, तो ml में दिया है तो उसे आप लीटर में लिखेंगे ना कि ml में लिखेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज मोलरता स्मॉल m। जो डिफरेंस है मोलरता और मोलरता में, मोलरता को हम कैपिटल m से लिखते हैं और मोलरता को स्मॉल m से लिखते हैं। तथा दूसरा, मोलरता में विलेय के मोल की संख्या अपान विलाय का द्रव्यमान kg। दोनों फार्मूलाज नियर अबाउट सेम है, बस डिफरेंस ये है कि मोलरता में हम विलयन का आयतन लीटर भी लेते हैं और यहाँ पे मोलरता में विलाय का द्रव्यमान kg है, वो था सेम। इसका होगा मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में और विलय की मोलों की संख्या अपन विलाय का द्रव्यमान kg में। यहाँ भी यही चीज आपको ध्यान रखना होगा, अगर विलाय की मात्रा ग्राम में दिया है तो हमेशा विलाय का द्रव्यमान आपको kg में कन्वर्ट करके यूज करना होगा। तो ये थे हमारे विलयनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 महत्वपूर्ण फार्मूलास, और इस पे ही आप न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पे हम कैसे न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक के पांच निहित प्रश्न एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 ये हम उस क्वेश्चन देखते हैं पांच निहित प्रश्न। तो जैसे पहला क्वेश्चन है पांच निहित प्रश्न का 2.1 का, इस तरफ आप रेफर कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि 22 ग्राम बेंजीन में, यहाँ पे बुक में कुछ बुक में मिस्टेक्स है, 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है, लेकिन वो एक्चुअल में 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4 भूली हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो क्या ऐसे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है, तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। आप लिख रहा है कि 22 ग्राम बेंजीन में, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4 घुली है, अर्थात बेंजीन में CCl4 को घोला गया है। तो हम कह सकते हैं बेंजीन C6H6 ये हमारा विलायक है। खैर ऐसे क्वेश्चनों में विलायक विलय का ज़्यादा महत्व नहीं है, मोलरता भी ज़्यादा रहेगा, फिर भी आप उसको लिख सकते हैं। कह रहा है कि बेंजीन में CCl4 घुला है, तो बेंजीन हमारा विलायक है, C6H6WA 22 ग्राम। बेंजीन की मात्रा हमारी कितनी है, 22 ग्राम, तो ये 22 ग्राम लिखेंगे। दूसरा हमारा विलेय CCl4, अब कह रहा है कि 122 ग्राम CCl4 भुला है हमारा बेंजीन में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड WB बराबर 122 ग्राम, तो ये विलायक हो गया, ये हमारा विलेय हो गया। अब विलयन का द्रव्यमान, अब चूंकि विलयन का द्रव्यमान होता है विलेय प्लस विलायक, तो विलयन का द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा, 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम इक्वल टू 144 ग्राम, तो 144 ग्राम हमारा विलयन का द्रव्यमान हो गया। अब हमने विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, द्रव्यमान प्रतिशत दैट इज WW इक्वल टू विलयन में अवयव का द्रव्यमान अपान विलयन का कुल द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर बेंजीन की मात्रा अपान बेंजीन प्लस CCl4 की मात्रा मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्योंकि हमारी बेंजीन की मात्रा कितनी है, 22 ग्राम, और विलयन की कुल मात्रा 144 ग्राम, तो 22 बटे 144 22/144 मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्स 15.28%। अब चूंकि 1% आपने निकाल लिया है तो आपको दोनों को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर हमारा एक सिर्फ दो अगर उसमें अवयव है, तो अगर एक अवयव हमारा x परसेंट आ रहा है मान लीजिए, तो दूसरा आएगा 100 - x, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो इसीलिए CCl4 का द्रव्यमान परसेंट क्या हो जाएगा, 100 - 15.28 दैट इज 84.72%। तो ये हमने देखा किस प्रकार हम द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका 2 मार्क्स कैरी करता है इतने छोटे क्वेश्चन के लिए यूपी बोर्ड के लिए। आगे देखते हैं उसी प्रकार पांच मिनट का 2.2 क्वेश्चन।
पार्ट नहीं 2.2 में कह रहा है, एक बिलियन में बेंजीन का 30 बेंजीन का एक बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हो, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बिलियन है उसमें बेंजीन 30% है, एक बिलियन है उसमें बेंजीन कितना है 30% है, अर्थात कि 30% बेंजीन है वो हमारा विलेय है, 30% बेंजीन हमारा विलेय है जो घोला गया है CCl4 में, 30% बेंजीन घोला गया है CCl4 में। अगर वहाँ पे परसेंट लगा है तो आप सीधे समझ सकते हैं कि सब कुल मात्रा अगर हम सब अज्यूम करें तो 30 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा बेंजीन और 70 ग्राम क्या हो जाएगा CCl4। तो परसेंट अगर लगा है तो आप उससे अपने आंकड़े को दुरुस्त कर सकते हैं कि कुल मात्रा हमारी विलेय की क्या हो गई है 100 ग्राम। तो उसी से आइए इसको देखेंगे, तो कह रहा है विलेय में 30% बेंजीन घुला है, अर्थात विलेय विलेय 30% बेंजीन घुला है, अर्थात विलेय C6H6 हमारा बेंजीन बराबर हो गया 30 ग्राम। अब हमें प्राप्त हो गया कि बेंजीन कितना है 30 ग्राम हो गया, 30 ग्राम बेंजीन है, तो विलायक हमारा कितना हो जाएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बराबर 100 - 30 = 70 ग्राम। क्लियर? इस प्रकार हमारा विलेय हुआ 30 ग्राम और विलायक हुआ 70 ग्राम। अब हमें क्या ज्ञात करना होगा कि जैसे हमने मोलंस की बात की तो मोलंस के लिए हमारा ये मोलंस है मोल प्रभाष अवयव के मोलों की संख्या अपान विलयन के कुल मोलों की संख्या। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बेंजीन का निकालें तो अवयव हमारा बेंजीन होगा, तो बेंजीन के मोलों की संख्या तो C6H6 का मोलर द्रव्यमान सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। अब चूंकि बेंजीन का फॉर्मूला हमारा क्या है C6H6, कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु। अब क्योंकि कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो C6H6 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 × 6, तो 12 × 6 प्लस 1 × 6 = 78 ग्राम मोल इनवर्स। तुम्हारा बेंजीन का मोलर द्रव्यमान प्राप्त हुआ 78 ग्राम मोल इनवर्स। उसी प्रकार हम CCl4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, CCl4 का मोलर द्रव्यमान कार्बन का परमाणु 12 और 1 परमाणु प्लस यहाँ पे क्लोरीन के 4 परमाणु है, तो क्लोरीन के 1 परमाणु का परमाणु भार होता है 35.5, तो 35.5 × 4 आप इसको कैलकुलेट करिए आएगा आपका 154 ग्राम मोल इनवर्स। तो हमने बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले बेंजीन के मोलों की संख्या और CCl4 के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले बेंजीन के मोलों की संख्या बराबर क्या होगी, मोलों की संख्या आपकी होती है अवयव की मात्रा ग्राम में और अवयव का मोलर द्रव्यमान। तो हमने अगर हम बेंजीन की मोलों की संख्या बात करेंगे तो बेंजीन की मात्रा ग्राम में अपान बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, ये हमारे बेंजीन के मोलों की संख्या होगी। तो यहाँ पे हमने देखिए लिखा है बेंजीन की मात्रा ग्राम में अपान बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। तो बेंजीन की मात्रा ग्राम में 30 ग्राम है, हमने जैसे ऊपर ये यूज किया है विलेय में 30%, 30 ग्राम हमारे बेंजीन की मात्रा हो गई, तथा तो बेंजीन का मोलर द्रव्यमान हमारा आया है 78 ग्राम, 30/78 जो आपसे कैलकुलेट किए तो 0.385 मोल आया। ये हमारा बेंजीन के मोलों की संख्या प्राप्त हुई, या इसे मोलों की संख्या को हम एन लिखते हैं, तो आप चाहें तो इसे एन C6H6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह मोलों की संख्या किसकी है बेंजीन की है। अब इसके आगे हम CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, तो एन CCl 4 एन CCl 4 इक्वल टू CCl 4 की मात्रा CCl 4 की मात्रा ग्राम में अपान CCl 4 का मोलर द्रव्यमान। तो CCl4 की मात्रा ग्राम में हमारी 70 ग्राम है, ये हमने ज्ञात किया CCl4 की मात्रा 70 ग्राम और CCl4 का मोलर द्रव्यमान आया है हमारा 154 ग्राम मोल इनवर्स। तो 70/17/154
70/154। तो 70/154 हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 0.454। तो ये हमारी हो गई CCl4 के मोलों की संख्या 0.454। अब हमें ज्ञात करना है मोलास। तो सबसे पहले हम मोलास ज्ञात करेंगे बेंजीन का। तो सबसे पहले हम मोलास ज्ञात करेंगे बेंजीन का, दैट इज Xc6H6। तो ये हो जाएगा N C6H6 upon N C6H6 plus N CCl4। तो मोलांस बेंजीन बराबर बेंजीन के मोलों की संख्या अपान बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या। तो इसको अगर हम लिखें N C6H6 हमारा आया है 0.385 और ये आया आ जाएगा 0.385 प्लस 0.454। ये हमारा आ जाएगा बेंजीन के मोलों की संख्या। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 0.839। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करने पे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, दैट इज 0.0 आपको बेंजीन का मोलांस प्राप्त हो जाएगा। और बेंजीन का मोलांस निकालने के बाद आप उसे एक में से बेंजीन का मोलांस घटाएंगे तो आप वहां पे CCl4 का मोलांस ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ज्ञात करने के बाद Xb=1 - Xa। तो Xa निकालने के बाद आप 1 - Xa को घटाएंगे और आपको CCl4 का मोलांस प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए और एक क्वेश्चन पे अच्छे से मेहनत कर लीजिए तो आप आसानी से मोलांस निकाल सकते हैं, जो आपके आगे बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपकी मदद इससे मिलेगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो इसकी इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना हो मोलांस से जुड़े हुए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसको देख लीजिए और अपने नोटबुक में उतार लीजिए। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब किए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर बजाएं जिससे कि आप आगे की वीडियोस को देखते रहें। और हाँ, कोरोना से बचे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।